हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो आज का अपना व्लॉग जो कोई कैंपिंग से रिलेटेड व्लॉग नहीं है, तो बस थोड़ा सा ऊपर घूमने निकले हैं। साथ में मनन ठीक हो गया है, तो उस खुशी में ना थोड़ा दर्शन कराते हैं। अपने नियर बाई मंदिर है, तो वो मंदिर आपको भी दिखाते हैं, बहुत अच्छा मंदिर है। और आसपास का जो उसका एक वहाँ पर खड जा रही है, झरना टाइप बना हुआ है, वो भी दिखाएंगे, वो भी बहुत बढ़िया है। बहुत सारे टूरिस्ट वहीं पर आते हैं, सही रहता है। अभी मौसम भी ठंडा हो गया, वैसे बारिश का मौसम हो गया ऊपर ना, तो चलते हैं, बस दर्शन करते हैं, वो मनन के भी करा लेते हैं। और मनन के लिए बनाना ले लिया हमने, बनाना खिला देंगे क्योंकि आज खाए नहीं। वैसे खाने तो लग गया, खाना भी, पर थोड़ा फ्रूट भी हो जाएगा। और ऊपर का मौसम ज़बरदस्त हो रखा है, बिल्कुल वहीं जाना हमने। चलते हैं वहीं पे, दर्शन करते हैं और फिर वेदर भी दिखाते हैं आपको। हेलो जी, पहुंच गया फाइनली मंदिर में। और ये मंदिर के एंट्रेंस है यहाँ से, और अब तो काफ़ी कुछ दिखाऊँ, दुकानें भी यहाँ पे लग गई हैं और पार्किंग भी बन गई। पहले पार्किंग भी नहीं थी यहाँ पे, मनन के लिए पार्क भी हो गया, और सही है, पार्क पार्क बोल रहा है। और हमने तो गाड़ी अपनी बाहर ही लगा दी। कितना खुश हो गया, अरे 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 अरे, आराम से भाई, आराम से, चलो चलो चलो, पार्क देखते, इतना खुश हो जाता है। सबसे पहले इसकी इसी का मनोरंजन करा देते हैं, फिर चलेंगे दर्शन करने। चलो चलो चलो, आराम से आराम से आराम से, देखते सबसे पहले कौन से झूले हो जाएगा। आराम से, स्लाइड भी जाना चाहिए मेरे ख्याल से, स्लाइड इसको पसंद है। बोला था ना स्लाइड जाएगा, जा जा, जा वो गिर जाएगा, पता था मेरे को स्लाइड है, स्लाइड पे जाएगा सबसे पहले, पसंद इसको वही है। चल कभी गिर जाएगी तो आग आना पड़ेगा। आजा 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 आजा, आराम से, ओ मनु, मनु का झूला मिल गया, पता नहीं कितनी देर बैठेगा इसके ऊपर। स्लाइड पे जा रहा है बार बार, उस स्लाइड पे, बस स्लाइडर ज्यादा पसंद है। हाँ, इसको स्लाइडर ज्यादा पसंद है। मनु, बस अभी मंदिर की ओर चलते हैं। चले 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 मनु, चले चलो चलो, क्यों चले चले चले, नहीं चलेंगे चलेंगे चलेंगे, कितना गंदा बच्चा है मनु। मनु मनु बदमाश है, मनु बदमाश है, हैं? ये भी सीख गया था, ऐसे बोलता था, ये भी पक्का मनु बदमाश है।
अभी तो इसका ध्यान झूले के अंदर है पक्का। मनु मैं तो उतर लिया भाई से, चक्कर आने लग गए मेरे को तो, पता नहीं क्या बात है। चिज्जी चिज्जी नहीं मिलेगी अब कभी भी, नो नो चिज्जी नो, नो चिज्जी नो, हाँ चिज्जी नो। चलने को तैयार नहीं हो रहा, देख पूछूं इससे। मनु चलो चलेंगे मंदिर में चलेंगे, नहीं क्या चलो मंदिर में चलेंगे हैं। ये तेरी तेरी लैंग्वेज समझ नहीं आती मेरे को, आजा आजा चलेंगे, चलो आजा 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 ऊपर मंदिर में, ऊपर मंदिर में हैं। ये नहीं चल रहा भाई, चलो चीज़ी नहीं मिलेगी नो। तो गाड़ी की चाबी दिखा के बुलाने की कोशिश करता हूँ। मनु ले, मनु मनु चाबी ये ले ले, आजा ले ले, ला नहीं ले ले, आजा आजा आजा, अब आएगा अब आएगा, चाबी के लिए तो आ जाता है ये, आजा 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 आजा। ओ भी ओए, अपने टी बैग भी फेंक दिया है, जल्दी यहाँ पे। आवाज़ पता नहीं मेरी आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि पानी की आवाज़ ना बहुत तेज़ आवाज़ है, बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी। और ये वाला ब्रिज ना अभी बना है, पहले नहीं था, पहले ये वाला नीचे वाला था, तो अभी ये तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया, ये अभी नया लोहे का बनाया है, सही लग रहा है। और लोहे की स्टेयर्स लगा दिए हैं, और ये मंदिर भी पहले नहीं था जब मैं आया था, अभी तीन साल पहले चार साल पहले ऑलमोस्ट नहीं था। तो बस बस चलो चलते चलो चलते तो नीचे चलते हैं, पानी बहुत आया हुआ भाई, क्योंकि ऊपर बारिश और ग्लेशियर पिघल रहे हैं ना, बहुत ठंडा पानी है और बहुत तेज पानी है, इससे दूर रहना चाहिए। नहाना है ना तो जल्दी नहा के बाहर निकलो। इसके यहाँ पर भोले बाबा का मंदिर भी बना दिया, सही है। और ये स्टोन रखे हुए हैं, पता नहीं क्यों रखते हैं ये नहीं पता, पर काफी लोग रख के जाते हैं।
लो जी, भोलेनाथ के दर्शन करके आ चुके हैं, बढ़िया दर्शन हो गए और बिल्कुल माहौल भी मस्त हो रखा था। और अभी गाड़ी निकालते हैं, और गाड़ी देखो मैंने कितनी टाइट लगा दी थी, ये देखो। और ये ना बिच्छू बूटी है, ये मेरे पैर पे लगी थी। जिसको बिच्छू बूटी नहीं पता ना, हाँ बताओ कमेंट करके, फिर बताऊंगा इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, किसी पे ना टेस्ट करके दिखाऊंगा, फिर पता लगेगा क्या चीज़ है। हाँ मनन पे तो नहीं कर सकते, मनन तो रोएगा इतना कि चुप नहीं होगा। वो देखो अब निकालनी पड़ेगी, इस वाली विंडो जाऊंगा, उस वाली विंडो से तरसता ही नहीं है। ये देखो ये सारी बिच्छू बूटी है यहाँ पे, तो इससे भाई बच के रहना चाहिए। अभी इस विंडो से घुसता हूँ और फिर निकालता हूँ गाड़ी। घर जाने से पहले ना हेलीपैड ग्राउंड पे आ गया हम, ये इतना मस्त ग्राउंड है ना, यहाँ पे हमने बहुत क्रिकेट खेली हुई है। और नेचर देखो ऊपर का, बहुत मस्त नेचर हो रखा है देखो। और वहाँ से ऊपर ट्रैक भी जाता है, वहाँ से किसी दिन वो ट्रैक भी करेंगे। देखो कितने बादल, कितने नज़दीक आ गए बादल यहाँ पर। और ये कैंपिंग के लिए ना बहुत सही ग्राउंड है, ये देखो यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं। सामने का व्यू भी ज़बरदस्त है और ग्राउंड भी देखो कितना साफ़ सुथरा और खुला डुला है। और साथ में ऐसे पब्लिक भी है ना थोड़ी बहुत, ऐसे ये भी नहीं है कि रात को डर लगेगा, यहाँ पे परमिशन लेके कर सकते हैं कैंपिंग। चलो देखते हैं, सोचते हैं यहाँ पर भी, और यहाँ गाड़ी लग जाती है, और बाकी गाड़ी नीचे भी ले जा सकते हैं शायद, वहाँ तक भी गाड़ी ले जा सकते हैं। और इस सुंदर से ग्राउंड को बाय बोलते हैं और चलते हैं घर की ओर। मनन बनाना खा ले। ओ भाई बंद होगी। और यहाँ पे तो देखो सामने होटल भी बन गया, अब तो बहुत सारी चीज़ें ऊपर देखो कितना बढ़िया हो, पता नहीं क्या किसने बंगला बनाया क्या बनाया, काफ़ी दिन से बन रहा है वो। चलिए चलते हैं, घूमते घूमते कितनी मस्त प्रॉपर्टी दिखी है भाई, कोई होटल टाइप है, ये होटल ही होगा आई थिंक। और इसका ये रास्ता है यहाँ से ऐसे जाके, और वो सामने ब्रिज से रास्ता है इसका। चलो देखते हैं, किसी दिन गए तो फिर दिखाएंगे आपको भी। तो जी आज के व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, और आज दर्शन किए भोलेनाथ के, बहुत बढ़िया दर्शन हो गया। और थोड़ा सा हेलीपैड की तरफ घूम के आए, लोकेशन बहुत अच्छी थी, कुछ फ़ोटो भी हमने क्लिक करी है जो कि इंस्टाग्राम पे डालेंगे। अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो नीचे लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप कर सकते हैं। और बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में।